धन्यवाद। जय हिंद संविधान। आज हम बात कर लेते हैं दो विषयों पे। पहला है तो सहारनपुर में कल प्रोग्राम है, नरेश टिकैत जी वहां पे जाएंगे और जो पब्लिक है वो कोर्ट से दूर रहेगी। जो सहारनपुर के लोगों ने अरेंजमेंट करा है, जो वहां के पुलिस प्रशासन ने अरेंजमेंट करा है, वे लोग सब वहीं कमिश्नरी के आसपास रुकेंगे, कुछ लोग ही आगे कोर्ट में जाएंगे। सभी भीड़ ना कोर्ट में जाएगी, वहां पर रुके रहेंगे और जो भी निर्णय होगा वो उसके बाद में होगा, वहीं अपना मीटिंग करते रहे सब लोग। वो कोई लॉन्च वहां पे किया है उन्होंने सहारनपुर की टीम ने, तो शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग रहेंगे। दूसरा विषय है, क्योंकि दो चरणों के चुनाव रह रहे हैं, बहुत लोग चुनाव पर चर्चा करते हैं, बहुत से लोगों के फोन आते हैं, उन फोनों को लोग रिकॉर्डिंग करके फिर उसको अलग अलग उसमें आप अपने तरीके से उसको डालते हैं। संयुक्त मोर्चे का साफ कहना है कि बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट को आप वोट करें। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये पूंजीवादियों का एक गैंग है, उस गैंग ने देश पर कब्जा करा, वो गैंग चुनाव लड़ रहा है, इनका साथ कोई नहीं दे रहा। ये चुनाव सीधा भारत की जनता और एक गैंग के बीच में चुनाव है। इस चुनाव को सीधा जनता लड़ रही है, जनता और सरकार के बीच का चुनाव है ये, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी पार्टी को हराने वाला जो कैंडिडेट होगा, आप स्वयं आप अपने क्षेत्र में देख के उसको वोटिंग करें। गलत तरीके के लोग फोन करके किसी व्यक्ति के उसमें चर्चा करवा लेते हैं। हमारा कोई उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है और यही संयुक्त मोर्चे का